ये देख लो भाई, ये नुकसान हो गया तो घर के बाहर। अब मेरी गाड़ी ऊपर खड़ी नहीं हो पाएगी। ये केक को केक में रखा होता है जो केक से खींचते और ऐसे लाइन पूरी निकलती फोटो की। ये शायद बनवाई थी, देखो सबसे पहली फोटो जब मिले थे। मेरा लव लेटर ये मम्मी ने पढ़ लिया था, ये लव लेटर मम्मी ने पढ़ा था। ये तूने इतनी अच्छी बीवी मिली है। बदल गए बदल गए बदल गए बदल गए। ये देखो वही गुलाब। Hey guys, welcome back to our channel मास्टर वीडियो। चेहरे पे खुशी है पर पता नहीं क्यों अजीब सा लग रहा है क्योंकि दीदी घर जा रही है मुंबई। ओके वी हैव रीच्ड टर्मिनल 3। और ये क्या है? बाय बाय बहन, बाय। चल इसे ऐसा लग रहा है कि यार घर कितना खाली हो गया है। कल मेरी भुआ जी चली गई थी, प्रियांशु चला गया, पलक चली गई, कृतिका शो पे चले गए, मामा भी चले गए कल दोपहर में। कल शाम को भुआ जी चली गई, आज सुबह दीदी और जीजा चले गए, बेला भी चली गई। एक दो कमेंट थे कि शाय की फोटो थी उसके अंदर और मेरी फोटो थी कि हम बिना मास्क के फोटो खिंचा रहे हैं। फोटो उसके लिए तो मास्क हटाते ही यार, जब मास्क लगाए रहे होंगे तो भाई वो फोटो खिंचाने का फायदा क्या हो पहली बात तो। और शादी का व्लॉग भी आपने देखा होगा, उनके सिर्फ 7 लोग थे लड़के वालों के साथ गए। हम 23 लोगों की बारात गई है, लेकिन मानो 23 लोगों की हमारी बारात गई है। और मास्क अंदर इसलिए हटाया था कि बाहर का कोई अननोन था नहीं और पहले पूरा सैनिटाइज हुआ है। वो सैनिटाइजेशन का तो आपने सगाई में देख लिया कितना ख्याल रखा गया है, अलग से सेपरेटली एक बंदा बुलाया गया है जिसका एडिशनल कॉस्ट पे। ज़्यादा एकदम वो हो गया यार, थकावट, एकदम नींद आ रही है। घर जाकर सोऊंगा, उठने के बाद आप लोगों से मिलते हैं और भी बातें करेंगे। देखते हैं दीदी कब जा रही है और भाभी से भी बात करेंगे, देखते हैं भाभी कैमरा कॉन्शियस है या नहीं है। 3 hours later घर आते ही सो गया था, बहुत तेज नींद आ रही थी, भयंकर तेज। उसके बाद अब यार बहुत तेज नींद आ रही थी, थोड़ी देर हो गया, आँख खुली तो 1:30 बज रहा है। वो भी उठे इसलिए क्योंकि भाई अपने यहाँ पे पानी की थोड़ी सी पता नहीं क्यों डेली आता है सुबह, पर आज 4 दिन हो गए पानी नहीं आ रहा है। घर पे नहीं, हमारे पूरे एरिया में पानी नहीं आ रहा है। शायद कोई प्रॉब्लम हुई होगी, ऑफिस बंद हुआ होगा या ऑफिस में भी केसेज होंगे, कुछ हुआ होगा। दिल्ली जल बोर्ड से टैंकर मंगाया पानी का, जो हमारे यहाँ की टंकियाँ हैं भरने के लिए। जितना भर जाएगी टंकियाँ फिर आगे पास कर देंगे, उससे बच्चे को पास ऑन कर देंगे। उसी के लिए गाड़ी हटानी है क्योंकि पाइप मोटा होता है, गाड़ी को नुकसान ना हो जाए, तो गाड़ी हटाने के लिए स्टार्ट किया। बहुत गर्मी है, भयंकर एकदम। अब भाई बाहर ये मत बोलना मास्क लगा लो, ये मेरा पर्सनल एरिया है, ये मेरा पर्सनल ग्राउंड है, पर्सनल एरिया। मेरी गाड़ियाँ खड़ी हैं, मेन रोड वहाँ से स्टार्ट होती है, वहाँ मास्क लगाना ज़रूरी है। पर फिर भी मास्क लगाना है मुझे, पापा ने बोला क्यों, क्योंकि वो टैंकर वाले भैया हैं, वो आएंगे बाहर से, इसलिए बहुत ही हैवी नुकसान हो गया। तो बहुत ही हैवी नुकसान। हड़िया पापा दीवार कभी गिर सकती है, पापा हड़िया 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 दीवार कभी गिर सकती है। हड़िया पानी के सपोर्ट से रुक जाएगी दीवार, कोई दिक्कत नहीं है। पानी के सपोर्ट से जब टंकियां भरेंगी रुक जाएंगी आप। हड़िया हड़िया अब क्या होगा, सारे उठाएंगे सारे मिलकर उठाएंगे। ये तो ज्यादा बुरा हो गया सीन। आखिरकार टेम्पो निकल गया। इन यहाँ पे गाटर की सपोर्ट लगाई थी, ये सीधा एक और ये टेढ़ा गाटर लगाया था और एक और लगाया था, वो हटा के रख दिया। ये देख लो भाई, ये नुकसान हो गया तो घर के बाहर। अब मेरी गाड़ी ऊपर खड़ी नहीं हो पाएगी। अरे मैं पापा कह रहा था आप से नीचे गाड़ी खड़ी करूँगा, अपनी ऊपर नहीं करूँगा, नीचे बढ़िया रहती है। घर की हालत बहुत बुरी हो रखी है। कमरा तो थोड़ा सेट है, बाकी तो हॉल वॉल सब बिखरा पड़ा है, जैसे कि आप सामान देख सकते हो। रसोई समझाने की कोशिश की जा रही है, आज जाके है समझाने में उतना सामान फैला जाता था रसोई में। हमारा मेरा स्टूडियो साफ है, ये सामान फैला हुआ है। अरे तो भाई ये मैं आपके साथ कुछ मीशो का हॉल शेयर करना चाहता हूँ। जो मैंने कुछ मीशो से सामान मंगाया था अपना बेडरूम डेकोरेट करने के लिए। भाई अभी बाहर तो जा नहीं सकते, तो मैंने कुछ सामान ऑर्डर किया है बेडरूम अपने स्टूडियो को सेटअप करने के लिए। क्योंकि अभी वॉल्स पे मेरे को काफ़ी सामान लगाना था, काफ़ी डेकोरेटिव आइटम्स चाहिए थे। मैंने ऑर्डर किए थे मुश्किल से, जो मुझे रिसीव हो चुके हैं। तो पहले आप वो ऑर्डर सामान देखिए, उसके बाद मिलते हैं आराम से। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको मैंने मीशो से कुछ डिकोर आइटम की शॉपिंग की थी जो कि मुझे आज रिसीव हो गई, तो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जो नहीं जानते कि मीशो क्या है तो मैं आपको बता दूँ कि मीशो एक शॉपिंग ऐप है और इंडिया की नंबर 1 अर्निंग ऐप है, जिसपे आप 0 इन्वेस्टमेंट के साथ अपना रीसेलिंग का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और साथ में इसमें आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है मीशो का, जो भी मेरे लिंक से डाउनलोड करता है मीशो ऐप और शॉप करता है उसे अपने फर्स्ट ऑर्डर पे 100 रुपीज का ऑफ या फिर 30% का ऑफ मिलेगा। मीशो ऐप को कैसे यूज करते हैं वो मैं आपको एंड में बताता हूँ, पहले मैं सामान दिखा दूँ कि मैंने क्या क्या डेकोर आइटम यूज किया है, आपके लिए भी हेल्पफुल होगा। फर्स्ट आइटम जो मैंने मंगाया है वो ये है प्लांटर, इसे प्लांटर कहते हैं। इसकी क्वालिटी काफी अच्छी है, ये स्टैंड है इसका और ये उसके ऊपर कप टाइप का इसके ऊपर मटीरियल है। सेंटर टेबल के लिए स्टूडियो हमारा खाली था तो मैंने सोचा उसके लिए कुछ ऑर्डर कर दिया जाए। सारे प्रोडक्ट्स होलसेल प्राइस पे मिलते हैं और इसका प्राइस मुझे बहुत ही रिजनेबल पड़ा। इनको साथ में रखने के लिए सेकंड आइटम जो मैंने ऑर्डर किया है एक वुडन ट्रे है, देख सकते हैं आप वुडन ट्रे। सेंटर से काफी एंटीक सी है और साइड से वुडन तो अच्छी होती ही है। जो थर्ड आइटम मैंने मंगाया है वो है व्हाइट स्टोन्स, 2 kg का पैक है ये, मतलब ग्लॉस में स्टोन्स है व्हाइट के, काफी सुंदर है। इसको आप अपने प्लांट्स में भी डाल सकते हैं, काफी खूबसूरत लगते हैं, इंडोर आउटडोर कहीं भी यूज कीजिए। बाकी मैंने इन्हें अपने फिश एक्वेरियम के लिए मंगाया कि फिश एक्वेरियम में नीचे डाले जाते हैं। तो फोर्थ आइटम जो मैंने मंगाया है वो ये है वॉल हैंगिंग मैक्रम, ये देखो मेरे फिंगर के ऊपर जो है, किसी भी शोपीस का वजन नहीं उठा लेगा और काफी सुंदर मैक्रम है। फिफ्थ आइटम जो मंगाया है वो ये है वॉल शेल्फ्स, ये 3 पीसेस का है। ये मैंने स्टूडियो के लिए नहीं मंगाया, ये मैंने अपने बेडरूम के लिए मंगाया क्योंकि बेडरूम में मेरी एक वॉल खाली थी तो उस पर मुझे काफ़ी, मेरे पास शोपीस मुझे गिफ्ट मिले थे शादी पे, तो मैंने सोचा क्यों ना उनको यूटिलाइज किया जाए। तो ये एक के बाद एक ऐसे थोड़े गैप में लगाए जाएंगे वॉल पे। लास्ट आइटम जो मैंने ऑर्डर किया है वो बहुत ही प्यारा आइटम है और ये है लव की LED लाइट्स। नॉर्मल सेल से भी चला सकते हैं, इसके अंदर आपको किसी प्लग में प्ले नहीं करना है, साथ में से आप किसी पावर बैंक से भी चला सकते हैं। आपको इसके साथ में USB का ऑप्शन भी मिलता है। ये मल्टी कलर में ऑर्डर की है, ये अगर सिंगल कलर ऑर्डर करते हैं तो मैचिंग में मुझे लगता है नहीं जाती, मल्टी कलर है ये, हर किसी के साथ जाएगी। इसमें जो मेरा पर्सनल फेवरेट जो मुझे लगा वो एक ये मैक्रम है वॉल हैंगिंग, बाकी ये लव वाली लाइटें मुझे बहुत अच्छी लगी और मेरे बेडरूम के लिए शेल्फ्स, बाकी आइटम तो स्टूडियो के हैं वो भी बड़े सुंदर हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप मीशो ऐप कैसे यूज करते हैं। तो जब आप मीशो ऐप डाउनलोड करते हैं तो डाउनलोड करने के बाद आपको डिफरेंट कैटेगरीज देखने को मिलेंगी, जैसे कि मेन्स, वुमेन्स, बैग, क्लोथिंग, किचन, इलेक्ट्रॉनिक्स, आपको बहुत सारी कैटेगरीज आपको देखने को मिलेगी। तो हर कैटेगरी का डिफरेंट कैटलॉग है। तो अगर आप रीसेलर हैं, बिजनेस आप करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है कि आपको ये कैटलॉग अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करना है इमेज एंड डिस्क्रिप्शन के साथ, और अगर सामने वाले को ये आइटम पसंद आता है तो वो आपको ऑर्डर प्लेस करने के लिए बोलेगा, तो आप उसके एड्रेस पे ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। बस आपको करना क्या है, ऑर्डर जब प्लेस करेंगे तो जो उनका अमाउंट है उस पर आपको अपना मार्जिन सेट करना है। 50 रुपये मार्जिन सेट कर दिया तो आपको 250 रुपये लिख के उसको ऑर्डर प्लेस कर देना। जो 50 रुपये का जो मार्जिन है वो आपकी सेविंग होगी, वो आपका प्रॉफिट होगा। तो उस पर आप जब ऑर्डर प्लेस करेंगे तो कैश ऑन डिलीवरी आप ऑप्शन प्लेस कर सकते हैं। तो और जो आपका जो मार्जिन है, प्रॉफिट है, वो आपको आपके अकाउंट में दिखाएगा और उसको आप डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। और अगर आप नॉर्मल शॉपिंग कर रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस ऐप खोलनी है, अपना आइटम सिलेक्ट करना है, उसको ऐड टू कार्ट करना है और जितना अमाउंट मेंशन है उसी अमाउंट को आपको लिखना है। जितना भी प्राइस मेंशन होगा आपको उतना ही प्राइस इसमें लिखना है और आपको ऑर्डर प्लेस कर देना है। और यहाँ पे आपको कैश ऑन डिलीवरी, UPI और अदर बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग के आपको ऑप्शंस मिलते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल यूज करने में है, मीशो ऐप बहुत ही सिंपल है यूज करने के लिए। तो गाइज, इस तरह से आप मीशो ऐप को यूज कर सकते हो, इस पर आप अपना शॉपिंग भी कर सकते हो और अगर आपको बिजनेस करना है तो अपना बिजनेस भी कर सकते हो 0 इन्वेस्टमेंट के साथ। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया मीशो ऐप का, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं मीशो ऐप को। तो होप करता हूँ आपको मेरा छोटा सा हॉल वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो थम्स अप और आप आगे ब्लॉग को एंजॉय कीजिए। खुशी करने के बाद शोर शराबा घर में बिल्कुल कम हो गया, ऐसा दिन हो गया। आपकी बहू में बहुत सयानी है ना, आपकी बहू सयानी है ना, बहुत सयानी है। मम्मी सुबह रोक रहे थे खुशबू जाने पे, वैसे आप पहले बहुत लड़ते थे खुशबू से, अब याद आ रही थी, बीपी लो करा के बैठ गई थी, करके बैठ गई थी बीपी लो। भाई बचपन नहीं कह रहा, मतलब शादी से पहले मम्मी और मेरी बहन बहुत लड़ते थे, बहुत लड़ते थे, हद ज्यादा लड़ते थे। और आज बताओ मम्मी उनके जाने पर रो रही है मेरी बहन के। वाह, पता नहीं यार, नीचे वाले फ्लोर पे तो आज ठंडक है पर ऊपर छत इतनी गर्म हो चुकी है कि AC भी, मतलब ये लगा लो 16 पे, ऐसा लग रहा है कि जैसे नॉर्मल होता है ना चलने पे, बिल्कुल ऐसी हालत हो रखी है। बहुत ज़्यादा गर्मी है आज तो भाई, ऊपर वाले फ्लोर पे आऊँगा, थोड़ी देर बैडमिंटन खेलूँगा अक्षय के साथ, उसके साथ खाना वाना खाऊँगा मस्त एग्जाम, उसके बाद अपना रूम सेट करूँगा। पहले सोच रहा हूँ रूम सेट कर लूँ, इसके बाद कुछ करता हूँ। 1 hour later मैं क्या, आप नहाई दो? मैं अभी नहाने जाऊँगा, अभी मैं सोचा ब्लॉग एंड करने के बाद आराम से नहाऊँगा क्योंकि मैं बैडमिंटन खेलने चला गया था नीचे, जो कि दिखाओगे मेरे कपड़े भी बहुत गंदे रखे हैं यार, पसीने, थोड़े से हेयर बैंड लगा के खेलता हूँ मैं बैडमिंटन क्योंकि फेस पर आते हैं तो फिर खेला नहीं जाता। तो मैंने सोचा क्यों ना अब थोड़ा सा रूम ही ठीक कर लिया जाए, रूम की सफाई कर ली जाए यार। और अपने रैक वगैरह अपनी मेरी अलमीरा बहुत बेकार हो चुकी है, तो मैं सोचा क्यों ना अपनी अलमीरा को सेट कर लूँ। और इस अलमीरा के अंदर मुझे एक चीज़ याद आई, अभी मैंने खोल के देखी थी अलमीरा की, मेरी साफ़े नहीं है। एक रैक है नीचे जिसके अंदर थोड़ा सा मेरा पुराना सामान है, काफ़ी पुराना सामान 2014-15 के आसपास का टाइम का सामान रखा हुआ है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर करूँ कि मेरे को अभी ध्यान आया यार नीचे वाला रैक में यूटिलाइज करता हूँ। मैंने खोला तो उसके अंदर काफ़ी सारा मेरा पुराना सामान निकला। ओह ये देखो भाई, ये मेरी अलमीरा ठीक है, ये देखो भाई रैक है और इसके अंदर काफ़ी पुराना सामान है। ये शायद सामान मैं दिखाना भूल गया था, तो मैंने सोचा एक बार मैं लाइट ऑन कर दूँ वॉशरूम की। शायद ये पकड़ो, इधर आओ जल्दी आओ, ये पकड़ो, ये पकड़ो, पकड़ो रखो तो सही, मतलब खोलना मत, ये रखो जल्दी, ये पकड़ो। ये नाम पड़ा हुआ था प्यारा, समझ जाओ क्या है, फाइल है, शिट मैन। ये दिखाओ, ये मेरी फाइल है। और कितने साल पुरानी है? इसमें टाइम डेट भी लिखी होगी कब से कौन से महीने की है। हाँ, ऑब्वियसली ये मेरी फाइल, ब्लैक बोर्ड, सिग्नेचर एग्जाम शायद नाम था इधर कहीं यार, 2017 यार नाम कहीं था, मैंने फाड़ दिया ये नाम। 2017 की फाइल है। शाही ने मुझे गाड़ी में रखवाई थी, भारी थी, शाही घर ले जा नहीं सकती थी ऑटो से, तो शाही ने मेरी गाड़ी में रखवाई थी। इसके ऊपर शाही का नाम था, पर मैंने कहीं से फाड़ दिया वो नाम कि मम्मी घर पे ना पढ़ ले। सुंदर बनाया, मैं बड़ी आर्टिस्ट थी यार। शाही ने फाइल तो पूरी खुद बनाई, शाही की राइटिंग भी बड़ी सुंदर थी, देखो यार। ये हमारा था बर्थडे, और इसकी भी कहानी है, इस केक की भी बताता हूँ क्या क्या। देख लो पहले फोटोज देख लो। ये था शाही, बताओ क्या था ये हैप्पी बर्थडे, हमारे रिश्ते को 5 साल पूरे हुए थे। और ये केक को केक में रखा होता है जो केक से खींचते और ऐसे लाइन पूरी निकलती फोटोज की। हर साल की फोटोज थी, शायद बनवाई थी। देखो सबसे पहली फोटो जब मिले थे, ये 2015 मेरे बर्थडे की है। उसके बाद ये है एक्सक्यूज बस क्लब की, ये हमारे जिस बर्थडे में केक काटा है ये, उसके बाद की एनिवर्सरी की है, एनिवर्सरी की ना, एनिवर्सरी का है सॉरी। तो आपने हैप्पी बर्थडे का गलती से लगा दी है। नहीं नहीं, ये हैप्पी बर्थडे की, एनिवर्सरी की नहीं, ये हैप्पी बर्थडे की है पर ये रोल एनिवर्सरी का है, ये एनिवर्सरी का। और ये हमारी थी फोटो, ये हमारी 2014 की फोटो की है, 15 की है, ये 2016 नवंबर की। ये फोटो बता दूं क्या, ये फोटो डिमोनेटाइजेशन वाले दिन की ही है ये फोटो। हाँ, exactly. ये ग्लास शाय नहीं था एक्चुअली, मैं अल्कोहल नहीं पीता हूँ ना शाय पीती है, पर इस शाय को ग्लास इतना क्यूट लगा था कि शाय विशाल मेगा मार्ट से खरीद के ले आई थी और शाय ने मुझे गिफ्ट किया था ये। और ये एज इट इज जब से पड़ा हुआ है मेरे पास। ये देखो कि प्यारा सा मिस यू का। ये क्या है? अरे अरे शुट 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 शुट, पकड़ो जल्दी पकड़ो। तो मैं दिखा रही हूँ देखो, टेकन बाय हिम टेकन बाय हर। ये मैंने संभाल के रखा था ठीक है। ये शाय एक वो थे बॉल्स होती हैं, मैसेज बॉल्स, उसके अंदर ये मैसेजेस शाय ने लिख के डाले थे। देख लो क्या क्या है, मैं आपको मैसेज पढ़ा दूँ, लव लेटर से पढ़वाने नीचे पर पढ़वा देता हूँ। लेट मेक दिस लव लवली जर्नी लास्ट फॉर अ लाइफ टाइम, डू नॉट एवर लेट मी गो, आई एम योर्स एज लॉन्ग एज यू वॉन्ट मी टू। ओहो क्या बात है। ये मेरा लव लेटर, ये मम्मी ने पढ़ लिया था, ये लव लेटर मम्मी ने पढ़ा था क्योंकि ये बाहर रह गया था गलती से, मेरी गाड़ी में रह गया था, ये मम्मी ने पढ़ा था। 2015 में दिया था, मुझे तो याद भी नहीं है। कोई नहीं, पापा कह गया डूब गया, मेरा बेटा डूब गया, वो तो डूब गया। ये मतलब 2017 की फाइल थी, गलती से मैंने कॉलेज में ना यूज करने के बाद मैं इनको कहा भारी है रख लो, कभी वापस ही नहीं किए। सुनने क्या भाई, ये रख लो, भारी है ये रख लो, क्या कर्म किए तूने, इतनी अच्छी व्यू मिली है। बदल गए। ये जो कार्ड है, वापस आते हैं इस कार्ड के ऊपर। तो ये कार्ड जो है ये उस टाइम शाय ने मुझे दिया था जब हमने बिल्कुल शादी का बिल्कुल फाइनल कर चुके थे, घर में पता चल चुकी थी बात को, थोड़े बहुत कलेजे जो चल रहे थे। तो ये कार्ड था, इसके ऊपर शाय ने मेरे को लिटरली मतलब ये हम एक दूसरे कर चुके थे शादी के लिए प्रपोज, ऐसा नहीं है मतलब एक दूसरे के लिए शादी के लिए प्लान बना चुके थे। तो इसमें लिखा हुआ है विल यू मैरी मी, ये मेरी राइटिंग है, और ये यस शाय दिल बना के ये मैंने लिखा था, ये मैंने लिखा था इस कार्ड के ऊपर। सब कुछ याद ही नहीं है। योर शाय विल बी फॉर एवर एंड टुगेदर। ओहो क्या बात है। ये गुलाब का फूल वही है, मैं बाहर निकालूंगा टूट जाएगा, पर मैं निकालना चाहता है। देख लो गुलाब का फूल वही है, देखो निकालने की कोशिश करता हूँ, पकड़ना थोड़ा निकालो आराम से निकालो, आराम से, टूटना नहीं चाहिए। ये देखो ये वही गुलाब के फूल है, रख दो वापस रख दो, ये बिखेर रहा मेरा गुलाब का फूल। ये हार्ड डिस्क है, ये कवर इसका मैंने लगा रखा है पर इसके अंदर हार्ड डिस्क है, ये मेरे लैपटॉप की हार्ड डिस्क है। इसके अंदर 2014 से लेके 2019 तक शाय और मेरी इसके अंदर लाखों फोटोज है, और एक गलती से पता नहीं कैसे खराब हो गई, पर ये मैंने रख रखी है कि कैसे भी लगेगा। मैं इसको पता नहीं ठीक करा के बिल्कुल खराब नहीं करना चाहता, पर मैं इसको कराना चाहता हूँ ठीक, तो मैं इसको भी कोशिश करूंगा ठीक कराने की, ठीक हो जाए। वो जो मैंने रिएक्टिंग टू आर ओल्ड फोटोज था उसके अंदर जितनी फोटोज हमें मिली थी तो उतना हमने पार्ट 1 बना दिया, पर पार्ट 2 के लिए इसके अंदर ये लगा लो कि लाखों फोटोज है मेरे उषा की, लाखों फोटोज। थम्स अप तो बनता है इस चीज के लिए। अगर अच्छी लगी हो तो हमारी प्यारी क्यूट सी याद है निभा निभीज वाली but now we are adult young। निभा निभी शादी हो गई यार, आपका निभा निभी बचेंगे, निभा निभी थे हम जब 20 साल के थे। तो ये था प्यारा सा ब्लॉग, आज का डेली ब्लॉग। तो मतलब मैं यही बस बताना चाहता था कि यार शादी के बाद सबसे बुरा यही होता है। शादी इतनी अच्छी चीज़ होती है पर शादी के बाद जो एक दिन बाद जो होता है सबसे बुरी चीज़ मुझे यही लगती है कि आपका घर भरा हुआ होता है और शादी से पहले आपको उन सब लोगों की आदत लग जाती है, उनके साथ बैठना उठना खाना शोर शराबे की, और एक साथ ही आपका घर पूरा खाली होता है। आज खुशबू दीदी चली गई, कल चली गई थी मेरी बुआ जी, चली गई थी मामा मामी चले गए थे, अब कल मेरी बड़ी बहन आकांक्षा चली जाएगी सुबह, और भावना भाभी भी चली जाएंगी घर अब। तो गाइज़ ये था प्यारा सा ब्लॉग। अगर आपको पसंद आया होगा तो मेक श्योर इस वीडियो को थम्स अप दीजिए एंड सब्सक्राइब। जो भी नए हैं व्यूअर्स मेक श्योर सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर न्यू ब्लॉग्स। बाय गाइज, सी यू इन आवर नेक्स्ट ब्लॉग।